जय हिंद दोस्तों, रन बिट टाइम 11 में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। तो आज हम लोग सीखेंगे भिन्नों का HCF, यानी भिन्नों का मासा हम कैसे निकालें, इस पर हम चर्चा करेंगे। और भली भांति आपको हम बताएंगे कि वैसे तो साधारण संख्याओं का हम HCF या मासा निकाल लेते हैं, लेकिन अगर भिन्न संख्या हमको दे दी जाए तो उसका मासा हम कैसे प्राप्त करेंगे। बहुत ही छोटा सा कॉन्सेप्ट है, आप लोग ध्यान से पढ़िएगा, छोटा सा वीडियो है। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलिए, क्योंकि इस चैनल पर आपको बेसिक मैथ, GK और अन्य सब्जेक्ट की तैयारी और भली भांत कराई जाती है। अब देखिए, जैसे यही संख्या है आपके सामने 4/5, 2/3, 6/7। अब इसका HCF आपको फाइंड करना है, पता लगाना है, यानी मासा। तो देखिए, इसका बहुत छोटा सा एक कॉन्सेप्ट है, यानी अंश जो ऊपर रहता है वो अंश रहता है। तो हम क्या करते हैं, अंश का HCF क्या करते हैं, अंश का HCF निकालते हैं, और जो हर रहता है उसका, यानी हर का क्या करते हैं, LCM ज्ञात करते हैं, यानी हर अंश का HCF और हर का LCM फाइंड करते हैं। तो हमारी संख्याओं में हम देख पा रहे हैं, यानी 4, 2 और 6 है, यानी ऊपर क्या है, 4, 2 और 6। तो इसका हमें क्या निकालना है, इन सब संख्याओं का हमें निकाल लेना है, HCF निकालना है। अब HCF देखिए कैसे हम फाइंड करें। तो देखिए, जैसे 2 है आपके पास, 4 है, और कितना है, 6 है। तो इसमें वो संख्या हम प्राप्त करते हैं, वो बड़ी से बड़ी संख्या हमको लेना होता है, जो सारी संख्याओं को, यानी जितनी भी संख्याएं दी गई हैं सबको डिवाइड कर दे, यानी सबको वो भाग देने पर काट दे। जैसे अगर 4 लेते हैं तो 6 से 6 में तो भाग जाएगा नहीं 4 का। 2 लेते हैं तो देखिए 2 से 4 भी कट जाएगा और 6 भी कट जाएगा और 2 भी कट जाएगा। तो इसका HCF कितना हो गया, HCF हो गया आपका कितना, 2। और देखिए, अब हर का हमें क्या लेना है, हर का लेना है LCM। तो हर का LCM हमें लेना है। हर देखिए आपका 5 है 3 है 7 है, यानी ये तो आपका हो गया बराबर 2 इसका आ गया। अब इसका 5×3×7 करना है, क्योंकि ये अभाज्य संख्याएं हैं, ये किसी से कटेंगी नहीं, कहने का मतलब इन्हीं को आपस में हम गुणा करा देते हैं तो हमारा LCM प्राप्त हो जाएगा। 5×3=15, 15×7=100 कितना हो गया, 5 हो गया। तो ये LCM आपका कितना निकल के आया, 105। तो आपका क्या हो गया, ये अंश का HCF, हर का, ये हर है सारी, हर का आपको निकालना है LCM। अब देखिए, ये आपका निकल के कितना आया, 2/105 के आपका इस भिन्न का क्या निकल आया, HCF। HCF ऐसे ही हम फाइंड करेंगे किसी भी संख्या का, कोई भी संख्या हमको इस टाइप के दे दी जाए तो हम इस टाइप से हम उसका LCM या HCF देखिए। और LCM अगर हमको निकालना है, मान लीजिए इसी संख्या का LCM निकालना है, तो क्या होगा, ऊपर वाली यानी अंश का LCM और नीचे का HCF निकालेंगे। यानी अगर हमको निकालना है भिन्न का क्या, ये तो हो गया आपका HCF, ये था क्या, HCF है, ये आपका HCF है। अब HCF ये है आपका HCF हो गया। अब अगर हमको इसी का LCM निकालना हो, LCM, तो LCM में कुछ नहीं करना है आपको, LCM में क्या करना है, अंश का निकालेंगे क्या, अंश का क्या करेंगे, LCM बटा देखिए हर का क्या करेंगे, HCF। बस इतना ही कॉन्सेप्ट हमको याद रखना है, जिसका निकालना है उसका जो है हम निकाल लेंगे क्या, जिसका निकालना है, जैसे LCM कह रहा तो ऊपर का LCM नीचे का HCF, अगर HCF कह रहा तो ऊपर का HCF नीचे का LCM, निकाल करके बटा करके लिख देंगे। अब जैसे इसी संख्या का मान लीजिए क्या निकालना हुआ हमको, अंश का LCM निकालना है, तो इसका अगर LCM हम निकालेंगे इसका, तो 4, अब देखिए LCM जैसे 2, 4, 6 है, इसका LCM निकालेंगे, देखिए ऐसे काटना है, 1, 2, 3 हुआ, फिर 2 से
3 हुआ, अब 2 दुना 4 3 12, एलसीएम कितना आ गया 12 आ गया। और यथ सी एफ, अब देखिए ये सब संख्याएं अभाज्य संख्याएं हैं, 5 3 और 7, इसका जब एलसीएम निकालेंगे तो कोई भी संख्या आपस में किसी भी संख्या से कटेगी नहीं, तो इसका एलसीएम कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा। तो ये हो गया एलसीएम आपका, यानी इसी भिन्न का एलसीएम इतना हो गया और यथ सी एफ हो गया 2/105, एलसीएम हो गया 12/1, मतलब 12 केवल। तो ऐसे ही अच्छे अच्छे सवाल, ऐसे ऐसे बेसिक सवाल पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करना ना भूलिए।